हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने आया हूँ, जिसके रिगार्डिंग आप बार बार मुझे मेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। और आपके दिमाग में भी आजकल यही चल रहा है कि गेट का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, या नेट का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो मतलब क्या आपके इन एग्ज़ाम का फ्यूचर होगा, और क्या मैं इनके बारे में सोचता हूँ, इस बारे में आज मैं आपसे बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि नेट का एग्ज़ाम होगा या गेट का एग्ज़ाम होगा, ये चीज़ डिस्कस करने से पहले मैं आपको दो पार्ट्स में चीज़ें समझाना चाहूँगा। एक पार्ट में वो कि क्या ऐसे रीज़न है जिससे लगता है कि नेट का एग्ज़ाम होगा, और दूसरा पार्ट वो कि क्या ऐसे रीज़न है जिससे लगता है कि नेट और गेट का एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उन पॉइंट से जिनसे लगता है कि एग्ज़ाम आपका टाइम पे ही होगा और आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा। तो उसमें सबसे पहला रीज़न तो यही है कि आप देख सकते हैं कुछ एग्ज़ाम हैं जो अभी भी कराए जा रहे हैं, चाहे कोविड के केस कितने भी हों। जैसे कि आपने सुना होगा यूपीएससी का एग्ज़ाम अपने टाइम पे हो रहा है, और ऐसे ही अभी सी टेट के एग्ज़ाम की डेट भी आई है जो कैंसिल हुए थे दिसंबर में। सेकेंड चीज़, चाहे वो गेट की बात करें हम चाहे CSR की बात करें, तो दोनों के ही अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है, और ना ही ऐसा बोला गया है कि आपका एडमिट कार्ड इसलिए लेट हो रहा है कि कोविड के कोई रीज़न चल रहे हैं, एग्ज़ाम रिशेड्यूल करने की सोच रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ जाता तब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे कि आप देख सकते हैं नेट का एग्ज़ाम ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, और अभी फ़िलहाल में CSR ने डेट भी शिफ्ट करी थी क्योंकि एग्ज़ाम कुछ क्लैश हो रहे थे। तो अगर आप देखें एग्ज़ाम ऑलरेडी शिफ्ट हुआ है और काफ़ी टाइम बाद भी हो रहा है, तो इसीलिए एग्ज़ाम का पोस्टपोन होना आसान नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट है कोविड के रिगार्डिंग ही, कि जो ये ओमिक्रॉन की पीक है वो जनवरी में ही आ जाएगी या फरवरी में ही आ जाएगी, ये अभी डिसाइडेड नहीं है। तो अगर पीक आपकी जल्दी आ जाती है और जल्दी ही ग्राफ डाउन कर जाता है या केसेस डाउन कर जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका एग्ज़ाम टाइम पे ही हो जाए। तो ये कुछ रीज़न थे जिनसे प्रोबेबिलिटी लगाई जा सकती है कि आपका एग्ज़ाम टाइम पे ही होगा और इसके पोस्टपोन होने के चांसेस कम है। बात करते हैं दूसरे पार्ट की, जिसमें वो पॉइंट्स हैं जिन्हें देख के लगता है कि एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन होने के चांसेस हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कोविड के रिगार्डिंग ही। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कोविड का ग्राफ रेगुलरली बढ़ रहा है, और जो आपके केसेस हैं पर डे 2 लाख के लगभग आ रहे हैं। तो अगर ऐसे ही केस आगे बढ़ते रहे तो बहुत मुश्किल है कि आपका एग्ज़ाम टाइम पे हो। सेकेंड है, आप देख सकते हैं अभी FSSI का भी एग्ज़ाम था, वो भी एक सेंटर का एग्ज़ाम था, और उसे पोस्टपोन कर दिया गया है ड्यू टू कोविड सर्ज की वजह से। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके ये जो CSR, नेट और गेट हैं, ये भी सेंटर का एग्ज़ाम है, तो इन्हें भी पोस्टपोन कर दिया जाए क्योंकि अभी केस बढ़ ही रहे हैं। थर्ड है, आप देख सकते हैं गेट का एडमिट कार्ड जिस हिसाब से लेट हो रहा है, पहले 3 को आना था, फिर 7 को बोला, और अब तक एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो इस बार कंडक्टेड बॉडी है IIT खड़गपुर, इस बात को समझ रही है कि इस टाइम पे एग्ज़ाम कराना ठीक नहीं होगा। साथ में उन्होंने एक छोटा सा नोटिस तो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में भी दिया था गेट में, कि वो नहीं चाहते कि कैंडिडेट किसी तरह से कोविड से अफेक्ट करें। फोर्थ पॉइंट है, देखिए आपके जो नेट और गेट में स्टूडेंट हैं बहुत ज़्यादा हैं, यानी आप कह सकते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा भीड़ होगी और ज़्यादा चांसेस हैं कि फिर लोग इन्फेक्टेड भी हो जाएं। तो इसीलिए ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो, क्योंकि UPSC का जो एग्ज़ाम है उसमें मेंस का एग्ज़ाम हो रहा है, वो तो उसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत कम है, मेंस कम बच्चे क्वालिफाई करते हैं। और ऐसे ही जो CTET का एग्ज़ाम है वो 2 दिन का बचा हुआ एग्ज़ाम है, तो उसमें भी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट उतने नहीं होंगे जितने नेट और गेट में टोटल मिला के हैं। पॉइंट है कि आप देख सकते हैं दिल्ली में लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ गई है, यानी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो गई है। जैसे आप देखेंगे वीकेंड कर्फ्यू है, और प्राइवेट ऑफिसेज सारे बंद कर दिए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी 50% कैपेसिटी में काम हो रहा है, और दिल्ली को छोड़ के और भी स्टेट में भी ऐसे ही कर्फ्यू और रेस्ट्रिक्शन बढ़ा दी गई है, और कहीं कहीं वीकेंड कर्फ्यू भी लग रहे हैं। तो इन सब से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऐसे टाइम पे एग्ज़ाम होना आसान नहीं है, और जनरली जो आपकी डेट है वो वैसे भी सैटरडे संडे में पड़ रही है, और दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा सेंटर होते हैं, और दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा कोविड के केस भी आ रहे हैं, और दिल्ली में ही पूरे इंडिया में अभी सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन भी है। तो बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है कि आपका एग्ज़ाम उसी दिन हो पाए जिस दिन अभी डेट दे रखी। तो यानी ये कुछ ओवरऑल रीज़न है जिनसे आप कह सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है। तो अगर अब मैं कंक्लूजन की बात करूँ और इन सब पॉइंट को कंसिडर करके एक रिज़ल्ट आपको बताऊँ, तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था, अगर गेट का एडमिट कार्ड टाइम पे नहीं आता है तो आपके एग्ज़ाम होने के 50-50 चांसेस हैं।
पर अब मुझे लगता है कि आपके जो एग्ज़ाम है उसके चांसेस 75 और 25 हैं, यानी 75% चांसेस है कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन ही होगा और 25% चांसेस है कि आपका एग्ज़ाम होगा। अब देखिए, ये सिर्फ मेरा व्यू है और ना ही ऐसा कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट गेट की तरफ से आया ना नेट की तरफ से। आप जानना चाह रहे थे तो इसलिए मैंने डिस्कस किया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसी को लेके मान बैठें और पढ़ना छोड़ दें या अपनी पढ़ाई में ढिलाई कर दें। मैं तो ये कहूँगा, अगर आपको ज़्यादा दिन भी मिलते हैं तो भी आप उतने ही पढ़ें जितना आप अभी पढ़ रहे हैं, और अगर आपको ज़्यादा दिन नहीं मिलते हैं तो भी वो आपके काम ही आएगा अगर आप पढ़ रहे हैं तो। बाकी कुछ दो तीन क्वेरी आपकी और है जिनका आंसर मैं दे दूँ। एक तो ये कि एग्ज़ाम अगर शिफ्ट होता है तो कितना टाइम के बाद होगा, तो देखिए मिनिमम 1 मंथ का तो गैप लगेगा ही। अगर आपका फरवरी का कोई एग्ज़ाम शिफ्ट होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो मार्च में होगा या उससे आगे भी, क्योंकि ये डिपेंड करता है कोविड की सिचुएशन में। तो जनरली जब भी एग्ज़ाम पोस्टपोन होते हैं, आप भी देखते होंगे, ये बोला जाता है कि डेट आगे बताई जाएगी। ऐसा नहीं होता कभी भी कि आज एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ और आपको सीधा नेक्स्ट डेट बता दी कि इस तारीख को एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें, अगर आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको डेट नहीं पता चलेगी और एग्ज़ाम लंबा भी खिंच सकता है। पर हाँ, मिनिमम 1 मंथ का गैप तो आपको मिलेगा। थर्ड पॉइंट है, आप पूछते हैं कि सर लाइफ साइंस का पेपर कब होगा, फिजिकल साइंस का पेपर कब होगा, केमिस्ट्री का पेपर कब होगा, मैथ का पेपर कब होगा, नेट का। तो देखिए यहाँ पे ये बात जानने की है कि नेट का जो भी होगा एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या होगा या किसका पहले होगा, आपको 2 वीक पहले पता लग जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है। तो इसीलिए बस आप थोड़ा सा वेट कर लें, मेरी राय जानने से बढ़िया है आप CSR की राय जान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा और होगा तो किसका पहले होगा। फोर्थ पॉइंट है, आप कुछ स्टेट एग्ज़ाम के बारे में पूछते हैं कि सर ये एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा, जैसे यूपी के कुछ एग्ज़ाम है या वेस्ट बंगाल में कुछ एग्ज़ाम है, कुछ गुजरात का एग्ज़ाम है, आप पूछते रहते हैं कि सर पोस्टपोन होगा ये या नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, स्टेट के जो एग्ज़ाम है टोटली डिपेंड करते हैं स्टेट पे कि वो एग्ज़ाम करवाना चाहते हैं या नहीं, यानी यहाँ पे सेंट्रल का कोई रोल नहीं है और स्टेट टू स्टेट भी वेरी करता है कि कौन सा स्टेट एग्ज़ाम कराना चाह रहा है, कौन सा नहीं कराना चाह रहा है, या कौन कोविड को ज़्यादा सीरियसली ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, कहाँ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है कहाँ नहीं है। तो इसीलिए स्टेट के एग्ज़ाम जनरली स्टेट पे ही डिपेंड करते हैं। पर हाँ, अगर आप कोविड की सिचुएशन के हिसाब से कहते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली है वो पोस्टपोन ही होंगे, और ये भी आपको क्लियर हो जाएगा 15 जनवरी तक, क्योंकि जनरली जो भी पीक आनी है या केसेस बढ़ने हैं तो वो मुझे लगता है कि अब थोड़े बढ़ने लग जाएंगे या पीक का थोड़ा सा ट्रेंड आपको और क्लियर हो जाएगा 15 जनवरी तक। तो उसी हिसाब से फिर सारे स्टेट या सेंटर ने जो भी फैसला लेना हो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और या रेस्ट्रिक्शन के रिगार्डिंग और या आगे वैक्सीन के रिगार्डिंग, वो सब ले लेंगे अगले 1 वीक में। तो सबसे लास्ट बात मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, और आपका जो एग्ज़ाम का ये एनजाइटी चल रही है इसके लिए आप बस 14 जनवरी तक वेट कर लें। प्रोबेबिलिटी है कि आपको 14 जनवरी तक सबका क्लियर हो जाएगा कि आपका गेट का एग्ज़ाम होगा या नहीं, या नेट का एग्ज़ाम होगा या नहीं, और या बाकी आपके कोई और भी एग्ज़ाम होंगे या नहीं। कहने का मतलब है इस वीक आप अच्छे से पढ़िए, जो भी आप पढ़ रहे हो उसे रिवाइज़ करिए, साथ में आप सिर्फ फ्राइडे का वेट करिए। फ्राइडे तक जनरली आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको पता लग जाएगा कि अब आपको आगे किस स्ट्रेटेजी से चलना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।